लास्ट बार देख लो, लास्ट बार के अब तो आते रहेंगे हम, यहाँ पहले वहां होते थे हम, अब हम यहाँ पे आते हैं। खुला तो भी आना पड़ा। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप सो आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हैं हम, बहुत सारे काम दे दिए भाई घर वालों ने। एक तो गाड़ी का पंचर भी हुआ था जो हम ट्रिप से आए थे, और गाड़ी भी धुलवानी है अभी, तो मैं पंचर ठीक करवा रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। बाकी आज सामान भी लाना है, हमने ठियोग तक जाना है और गाड़ी की वॉशिंग करानी है। गाड़ी देखो अब यार पूरी गंदी और सामान सुमून इसमें ऐसी है। गाड़ी की वॉशिंग कराएंगे, पहले पंचर ठीक कराएंगे और फिर ठियोग जाना है हमने। और बहुत थका हुआ हूँ यार, दर्द ही नहीं जा रही ट्रक के बाद। बाकी आपको दिखाता हूँ एक बार, ये हो रहा है पंचर ठीक। यहाँ पे कील घुसी हुई है यार, जो हम ट्रिप पे गए थे उसकी कील है यहाँ पे, यहाँ निकाल रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। लग तो यही रहा है, बाकी टायरों में भी थोड़ी कम हवा थी, सब में भराएंगे थोड़ी हवा। बाकी तो ठीक ही लग रहे हैं यार टायर। आज चप्पलों में ही आया हूँ भाई मैं, क्योंकि पाँव में छाले पड़े हुए उस दिन के। तेल हमने भरवा दिया है, पंचर भी ठीक करवा दिया है, अब जा रहे हैं हम, थोड़ा सामान लेना है हिमलैंड से, घर का सामान, थोड़ा राशन वगैरह मंगवाया है मम्मा ने, अभी वो ना है। आज इतने दुनिया भर के काम दे दिए ना मेरे को, अब चलते हैं हिमलैंड की तरफ। आज थोड़ा जाम कम है एज कम्पेयर टू बाकी दिन, अब चलते हैं ज़रा सामान सामून लेते हैं, उसके बाद उज्ज्वल को चकना है संजौली से, और फिर चलेंगे हम ठियोग, वहाँ से थोड़े सेब लाने हैं हमने। ये मम्मा ने, अब जाते हैं सामान लेने, सामान यहाँ पर ही मिलेगा। चलो अब चलते हैं ज़रा सामान लेके आते हैं, पर ऐसे आटा चावल वगैरह है कुछ भाई, सामान ले लिया है, बाकी आटा वगैरह आ रहा है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और रखवाते हैं इसमें, और चलते हैं संजौली की तरफ और उज्ज्वल को चखते हैं। संजौली और उज्ज्वल पता नहीं कहाँ है, एक तो रानी बोली यहीं हूँ मैं कहीं, अब मिलते हैं उसको, फिर वही करेगा आज व्लॉग, आज मैं बहुत थका हूँ भाई, वही उसकी आवाज़ सुनाई देगी आपको। और संजौली में जाम कभी ख़त्म नहीं होने वाला भाई, चाहे 10 टन ले बना दो चाहे 20। वाह मेरे भाई, और चल जा भाई, हम भी वहीं जा रहे सारे। साले यार पीछे चला, वो देखो तो सही है बंदर आने की कुछ, तो ऐसी हरकतें ना करो भाई जैसे बंदा कर रहा है वो। सॉरी ये तो आर्मी से है, आ जा भाई, आ जा इधर। अरे इधर आधा कहाँ जा रहा है, आसाना भाई आधे घंटे से ये है उज्ज्वल, और आधे घंटे से खड़ा हुआ है, पर बंदा पीछे नहीं आने को तैयार भाई, देखो तो सही इसको, थोड़ा ही आधा भाई पीछे, और जब खड़ा ही रहेगा वहीं पे ले जानी पड़ेगी गाड़ी, ये देखो वहीं पे खड़ा है, ऐसा नहीं कि हल्का सा पीछे को चल लूँ। ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको जो पीछे अभी आगे, बस ये है वर्मा, और वहीं खड़ा रहेगा भाई जब तक मैं परे नहीं पहुँचा, चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे एक घंटा, चाहे 2 दिन, चाहे 10 दिन, ये देखो वहीं पर ही है अभी। जैकेट दिख रही है ना आपको क्रिस्टल, मतलब बंदा चलने को ही तैयार नहीं है भाई। सो भाई ठियोग जाने का प्लान हो चुका कैंसिल, क्योंकि इसका जो सामान था वो कल हम बस में मंगवा देंगे, और अभी हम आए लुधियाना के आसपास है गाड़ी की वॉशिंग करने, गाड़ी गुड़ी धोते, गाड़ी का हाल देखिए, और ये देखिए टेस्टे का सामान, अरे यहाँ से नीचे जा रहा है, अगर देखता सामान यहाँ से अपना ले लियो, गाड़ी में होगा लटकाया। हाँ भाई तो स्ट्रीम ने तो फेंक देंगे मिसमान, हर चीज बुला के। वॉशिंग फाइनली शुरू हो चुकी है 1 घंटे बाद इस आदमी की वजह से, और ये सारा सामान है, ये तो जो मैंने अभी सामान लिया था ना वो ये है, बाकी मैट मोड नहीं करे, इतनी गंदी है ना ऊपर से गाड़ी, अंदर से थोड़ा भैया ढंग से करना है ना, डीप वॉश थोड़ा, बहुत गंदी हुई है, निकाल ही देते इनको बाद। बुरे हाल है गाड़ी की, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी गंदगी हो रखी है, पूरी की पूरी, सामान सून थोड़ा चिंग हो चुके हैं शुरू, और आप गंद देख सकते हैं, गंदे की मशीन को धूल ही धूल है भाई।
मार दिया इन्होंने, फिर से पानी मार रहे हैं। इसके बाद अंदर से होनी है वॉशिंग, बहुत गंदी है अंदर से, बहुत टाइम लगेगा इसमें यार, बाहर से तो चमक गई है। अंदर का टाइम वॉशिंग तो वॉशिंग कुछ ऐसी हुई है, कुछ ठीक नहीं हुई मेरे हिसाब से, पर चलो जैसी भी है ठीक है, क्योंकि ये दाग दूग रह गए भैया बोले मिट नहीं रहे। हेलो भैया, ऐसा कुछ है वॉशिंग मशीन पर यहाँ पे नया खुल चुका है ये, पहले यहाँ पे होता था भैया का, पर फिर यहाँ पे नया खुल चुका है, अभी इसमें चलते ऊपर बैठते हैं। ये है न्यू लोकेशन, और ये लोकेशन है आपकी मलयाणा में, हम पहले वहाँ हुआ करते थे बैठे हुए, अब हमारे लिए लग चुकी है स्पेशल गाड़ी, और इस गाड़ी में लेंगे हम मज़ा, और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी खाने पीने से रिलेटेड। और ये देखिए व्यू आप यहाँ पे, गर्म ही है तो गर्म, हाँ गर्म, ठंडी पीनी चाहिए यार, गर्मी है तो ठीक है, जो भी चावल मंगवा दिए, उद्घाटन कर दिया हमने यहाँ का, क्यों कि कैसा है, फूड ब्लॉगर बन जाएंगे हम कुछ टाइम में, खाते हैं इसको और देखते हैं कि कैसा है। और व्यू देखो आप यार, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, आज का कैप्शन मिल गया, क्यों कैसा है शिमला के रास्ते ठीक होने वाले हैं, गैंग चल पड़ी है, और अब जो हमें लग रहा है कि सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गैंग अब शिमला की तरफ आ चुकी है, तीन रोलर और एक मेटलिंग वाला, क्या बोलता है होता है कुछ, अब हो जाएगा ठीक, पूरा रास्ता कवर कर दिया बाबू, भले चार पाँच छः सात घंटे लेंगे पहले पहुँचते होंगे, स्पीड देखो आप ही बार देख लो लास्ट बार के, अब तो आते रहेंगे हम, पहले वहाँ होते थे हम, अब हम यहाँ पे आते हैं, खुला तो भी आना बड़ा तगड़ा, पर है सेकंड हैंड ही गाड़ी, ठीक बोल रहा है तो, हाँ तो उसके लिए सेकंड हैंड ही लेंगे, क्योंकि हवा हो चुकी है कम, और अपनी भी थोड़ी हवा ऊपर डालते हैं, उसके बाद मैं घर जाऊँगा, सो जाऊँगा आराम से, दो ढाई घंटे के नैप लूंगा बढ़िया से, शाम को फोन पहुंचा ले क्या तू सोना, इसके बाद दो तीन घंटे फोन चल लगने वाला, रील चलाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा, सेशन होने चाहिए इसके बाद, कोई नहीं सेशन, सो जाना है इसके बाद आराम से, चैन की नींद, तू भी जा भाई तेरे पास घर बार है, घर में सो आराम से, तू जा अपने घर, मैं तो जा रहा हूँ भाई, तू भी जा इतने दिनों से, तू भी गया सो जा रहा हूँ, क्योंकि पत्थर घाटी और यहाँ भी लगा है जाम, आज है क्या बस डे वर्किंग डे ही है कुछ, है ना, हाँ आज तो ऑफिस ऑफिस खुले है भाई, लोगों के लिए होते होंगे ऑफिस वगैरह, हमारे लिए तो एक एक बराबर ही, क्यों ना यहाँ 20 लाख पैकेज है ना यहाँ 20 रुपए का, इसलिए भाई पढ़ो लिखो, और हमारे दोस्तों के काफी महंगे महंगे पैकेज लग चुके, और यहाँ आग सी है लगी अपनी भी दिखा, मेरे को नहीं लगी भाई, देख मेरे को नहीं जॉब का शौक, आज दो है कल जॉब का शौक तो है, पर पैसे गए उसको जॉब का, मेरे को तो पैसे गए है जॉब का, किसको होता शौक, जॉब वालों को नहीं होगा जॉब का शौक, क्यों नहीं होगा यार, 9 से 5 जॉब का शौक किसको होता है यार, चलो ठीक है बस मेरी शक्ल दिखाया है, बाकी निकलते हैं घर के लिए और सो जाते हैं, जैसे क्या उन लोगों को बताया भाई, इसके तो सेशन लगने हैं अभी वर्कआउट के सेशन, हाँ खुद का ना देख तू भाई घर के पास जिम है वहाँ पे जा ना तू भी, मैं शाम को मैं जाऊँ फिर जलते हो है ना, तो काफी सेशन लगे, जल मत भाई हम तो बॉडी बनाएंगे आराम से जाके, 8 किलोमीटर वाले सेशन होते हैं इसके, ऐसे ही लगते हैं क्या ना दूसरों के भाई, इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड और निकलते हैं अपने अपने घर, क्योंकि हमें अभी सोना है भाई, और हाँ देश प्लीज अपने घर वालों के फोन उठा दे, हाथ जोड़ता हूँ भाई प्लीज, मानसून है ना ये कल फेंक दिया जाएगा भाई, ये लास्ट वार्निंग है देख लो, इसलिए घर वालों के फोन उठा लिया कर और बता दिया कर कि है कहीं, तो बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, बाय।